वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। कैसा है आपका दिन? मेरा दिन तो बड़ा अच्छा सा स्टार्ट हो गया। सुबह सुबह सारे काम खत्म हो गए अजानों के उठने से पहले पहले, और हस्बैंड ने आते ही सरप्राइज दे दिया। बाहर गए हुए थे, वापस आई, इन्होंने कहा कि चलो चलो नाश्ता करने चलते हैं, और मैं तो खुश हो गई, और अजानों मेरे से भी ज्यादा खुश हो गया कि सुबह सुबह बाहर जाने को मिल रहा है। तो लेट्स गो। हम लोग आए हैं लाहौरी रेस्टोरेंट पर। यूपिंग का नाश्ता बहुत अच्छा है, और देखें इतना रश है, नीचे वाला पूरा फ्लोर फुल है, सारे स्टूडेंट्स वगैरह आए हुए हैं। अब हम ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, यहाँ पे खाली यहाँ पे बैठते हैं, और अजानों की जो टैब है ना, ये भाई हमें हर जगह लेके जानी पड़ती है, पानी हर जगह लेके जाना पड़ता है, और आज तो फीडर भी साथ साथ लेके आए क्योंकि अभी तक नाश्ता नहीं किया इसने। फोन मानो। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई हमसे ऑर्डर लेने आए, लेकिन अब तक कोई आया नहीं। आज अब्दुल्ला रहमान यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, इसलिए वो साथ नहीं आए। फिनिश कर दिया। हमने क्या खाना है? क्या खाना है? जे खाना है कि जे खाना है? नाश्ता हमारा हो गया, अब जा रहे हैं घर वापस, और घर जाके देखते हैं कि आज के दिन का प्लान होता है। कल के व्लॉग में मैं ये सारी ग्रोसरी वगैरह लेके आई थी, इनके मैंने सेक्शंस कर दिया, मैं इसको सारा रिफिल करती हूँ चीज़ों को। जी मैं देती हूँ जान, मैं इसको डालना। ये ना मैं संतरे लाई हूँ, अब संतरे ना वैसे सूखे चने नहीं खाता, तो ये चने और इनके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट कोट हुई है, तो इसी बहाने ये खा लेगा ये लोग। और कुछ ही मैंने सारे इसराइली प्रोडक्ट्स जो है वो घर में बैन कर दिए, लेज वगैरह नहीं आ सकती, तो बदले में बच्चों को कुछ तो रिप्लेसमेंट चाहिए। जब तक मैं ये काम कर रही थी, अली सैलड बना रहे थे, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा चस्का ऐड कर रही हूँ और फिर खाती हूँ। तो भाई चाहे सैलड हो लेकिन फीका नहीं खाया जाता, थोड़ा तो चस्का होना चाहिए ऊपर। 3-4 घंटे हो गए हैं, मैं सिर्फ इसी काम में लगी हुई थी। मैंने ना अपने और एहसान के और इसके पापा के सारे कपड़े निकाले हुए थे, ये अब ज़्यादा सर्दियों के, इसको मैं अभी पैक ही रखा हुआ है, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, और ये गर्मियों वाले पैक किए हैं बजहानों का, और अपना दरासा किया है, ये बस मैं अंदर ही रखने लगी थी। ये सारा मैंने ना एहसान का ऐसे कंटेनर में रखती हूँ ना कपड़े, ऐसे डिफरेंट सेक्शन बना के रखती हूँ। अपना भी दरवाज़ा कर लिया, मिस्टर ज़ाका भी कर लिया है, ट्राउज़र शर्ट वगैरह भी गर्मियों वगैरह निकले हैं, ये रखे हैं, ऐसे रखे और इसे इसको भी कर देते हैं। मेरे से तो चाहे यार घर के 100 काम करवा लो, चाहे खाने बनवा लो, चाहे जो मर्जी करवा लो, लेकिन ये जो कपड़े तय करना और इसको पैक करना, सर्दियों के निकालना, गर्मियों के रखना, ये मुझे इतना मुश्किल लगता है, मेरी जान जाती है। इतने दिनों से मैंने ना सोचा हुआ था कि आज करूँगी, लेकिन रोज़ ही मैं ना टाली जा रही थी बात को, लेकिन अब मैं सोच रही थी अजान को सर्दी ना लग रही हो नॉर्मल कपड़ों पर ना, तो अब मैंने अजान की फुल बाजू शर्ट्स और स्वेट शर्ट्स वगैरह निकाली हैं, उसके चक्कर में मैंने कर लिया, वरना अभी मैंने हौसला नहीं था करना इस काम का। चलो जी ये तो हुआ डन, अब इसको करते हैं बंद और इसको साइड पे करते हैं। आप क्या देख रहे हो? मामा रिकॉर्ड कर रही हैं। सारे काम शाम ख़त्म हो चुके थे मेरे कपड़ों के, और उनको देख देख के ना मेरा और कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। अब हम आए हैं जूसी चक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, और माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो लेट्स गो इनसाइड। क्या हुआ?
खाना शाना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया फिनिश और मुझे मिला है एक गिफ्ट वाउचर सलोन का। ये मुझे पहले ही मिला ग्रॉसरी से, मेरे पास 3 वाउचर्स हो गए हैं। अब निकलते हैं हम घर के लिए, घर जाके रेस्ट चेक करते हैं और तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को शेयर किया करें और कमेंट मस्ट किया करें कि आपको कैसा लगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।